Assalamu alaikum. If this is your first visit, like my video and subscribe my channel because I solve every single question for you on daily basis. Exercise 11, question number 1. Draw a line segment of length 4.8 cm. Bisect it using ruler and compass and measure the length of each part. एक लाइन सेगमेंट जिसकी लेंथ 4.8 सेंटीमीटर हो ड्रा करनी है और उसके बाद रूलर और कंपास की मदद से बाइसेक्ट कर देना है और उसके बाद उसकी लेंथ को मेजर कर लेना। तो बाइसेक्ट का क्या मतलब होता है? बाइसेक्ट का मतलब जैसे बाइसाइकिल हम कहते हैं, बाई का मतलब दो, तो बाइसेक्ट का मतलब दो हिस्सों में डिवाइड कर देना। बाइसेक्ट जो होगा वो एक लाइन को दो हिस्सों में डिवाइड कर देगा और इक्वल हिस्सों में डिवाइड करेगा। तो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले एक पॉइंट ड्रा किया हमने जिसका नाम पॉइंट ए रख दिया और उसके बाद 4.8 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हमने मेजर करना है रूलर की मदद से। कंपास को रखी रूलर के ऊपर 4.8 सेंटीमीटर पर कंपास रखी और इधर भी 4.8 सेंटीमीटर पर कंपास रख के बी पॉइंट हमने ड्रा कर दिया। ये 4.8 सेंटीमीटर इसका डिस्टेंस है। तो यहां पर हमने कंपास रखी और एक लाइन सेगमेंट ए बी ड्रा हो गई है और उसके आगे अब हमने क्या प्रोसीजर करना है? ये तो लाइन ड्रा हो गई है, अब इसका हमें बाइसेक्ट ड्रा करना है जो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देगा। कंपास लेकर इसकी मेटल टिप ए पॉइंट पर रख देनी है और ये समझ लेना है कि ए ही इसका एक सेंटर है और कंपास हमने इतनी खोलनी है कि ए बी जो लाइन सेगमेंट है इसके हाफ से ज्यादा हो। तो हाफ से ज्यादा कंपास रख के हमने एक इधर आर्क लगा देनी है और उसके बाद दूसरी साइड पर भी एक आर्क लगा देनी है। उसके बाद हमने कंपास को बी पॉइंट पर रख लेना है, उतनी ही खुली रहे कंपास, और उसके बाद फिर इस आर्क को काट देना है। हमने इसको कता करती हुई आर्क दोनों जानब पर कता करती हुई आर्क लगानी है जो कि पी और क्यू पर उसको कता करेगी, तो इंटरसेक्ट करेगी। तो यहां पर हमने एक लाइन ड्रा कर देनी है और एक पॉइंट एम पर ये लाइन एक दूसरे से मिलती है, यही पॉइंट एम बाइसेक्ट पॉइंट है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं इसको। ये बाइसेक्ट कर रही है पॉइंट एम पर। अब हमने ए एम और एम बी लाइन सेगमेंट की लेंथ मेजर करनी है। तो लेंथ मेजर करने के लिए हम इधर रूलर की मदद से या कंपास की मदद से लेंथ मेजर करते हैं तो वो देखते हैं कितनी आती है। ये इसकी लेंथ मेजर की गई तो 2.4 एम आ गया और एम भी 2.4 आ गया, दोनों की लेंथ बराबर आ गई। तो ये बाइसेक्ट यहां से प्रूफ हो गया कि बाइसेक्ट जो होता है दोनों एक लाइन को हाफ से काटता है, हाफ से कटा करता है, हाफ से इंटरसेक्ट करता है, तो ये दोनों की लेंथ बराबर है। यही इस सवाल क्वेश्चन नंबर 1 है। तो ये काफी लंबा क्वेश्चन हो गया है तो इसको हम एक ही क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में और उसके बाद सारा हम प्रोसीजर लिख लेंगे जो जो हमने किया है वो सारा प्रोसीजर। एक्सरसाइज 11 बी का ये क्वेश्चन नंबर 1 है। तो इसका प्रोसीजर सबसे पहले क्या किया था, हमने एक पॉइंट ए मार्क किया और उसके बाद 4.8 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर एक दूसरा पॉइंट मार्क और जिसकी लेंथ मेजर की गई थी कंपास की मदद से और रोलर की मदद से, तो वो 4.8 सेंटीमीटर हमने वो लेंथ मेजर की थी और बी पॉइंट मार्क किया था और इस तरह उसके बाद ए को बी से जॉइंट कर दिया था तो वो एक लाइन सेगमेंट ए बी बन गई थी। उसके बाद क्या किया था, उसके बाद
दो नंबर पे ये प्रोसीजर किया था कि पॉइंट ए पे कंपास रखी थी, तो जो पॉइंट ए पे कंपास रखी थी तो उसका पॉइंट ए को हमने सेंटर मानकर एक आर्क लगाई थी और पनकार इतनी खोली थी, कंपास इतनी खोली थी हमने कि ए बी के हाफ से ज्यादा हो, उसका रेडियस हाफ से ज्यादा रखा था, ए बी के लेंथ के हाफ से ज्यादा रखा था। तो यही हमने लिख देना है कि हमने कंपास प्लेस की ए पर जिसको के सेंटर रखा और रेडियस उसका हाफ से ज्यादा पनकार खोली थी हमने, हाफ से ज्यादा कंपास खोली थी और एक ए बी की साइड पर कॉस लगा दी थी, एक ए बी की साइड पर आर्क लगा दी थी और एक उसके दूसरी साइड पर आर्क लगा दी थी, ए बी की साइड पर आर्क लगा दी थी और दूसरे स्टेप में कंपास को हमने बी पर पॉइंट पर रखा था, अब उसका सेंटर बी पॉइंट हो गया है और रेडियस उतना ही रहेगा, जितनी कंपास खुली थी उतनी ही कंपास खुली रहेगी और हम एक और कॉस लगाएंगे जो कि उसको काटेगी, जो पहली हम प्रीवियस जो हमने आर्क लगाई थी, जो प्रीवियस आर्क लगाई थी उसको वो काटेगी दोनों तरफ से, तो जब काटेगी तो उसको हम रूलर की मदद से एक लाइन ड्रा कर लेंगे और वो लाइन पी क्यू लाइन होगी और जो उस ए बी लाइन को एम पॉइंट पर बाइसेक्ट करेगी वही इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, तो हम ए एम और बी एम को मेजर कर लेंगे तो उसकी लेंथ निकालेंगे तो वो 2.4 आग होगी, यानी कि टोटल लेंथ का हाफ होगी। तो यही बाइसेक्ट करने का प्रोसीजर है। ये क्वेश्चन वन काफी लेंथी था तो एक ही सवाल हुआ है, बाकी भी इसी तरह के सवाल हम करते जाएंगे इसी तरह।